ये संस्मरण है, संस्मरण मतलब मेमोयर्स है, फिक्शन नहीं है। जो मेरी बचपन में मैंने जो देखा, अनुभव किया, मतलब एक्सपीरियंस जो किया है, और उन सभी के थ्रू, मतलब उसको लिखना वही एम नहीं था, लेकिन उसके थ्रू, उसके द्वारा अपने समाज के, अपनी संस्कृति की जो फिलॉसफी है उसको मुझे सामने लाना था। क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं उनका अपना कोई दर्शन नहीं है, दर्शन मतलब फिलॉसफी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो है ना आइडेंटिटी जो है ना वो बहुत कंफ्यूजन में ही चला जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में, यानी दर्शन, यानी फिलोसॉफिकल जो चीज़ें हैं उस पर काम करना चाहिए। तो कई चीज़ें हैं जिसको सीधा कह देने से मज़ा नहीं आता, लोग पढ़ते नहीं हैं। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं, उस यादें हैं, उसके द्वारा, उसके सहारे मैं कुछ बताऊं, ताकि लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए और साथ ही साथ मैं उन चीज़ों को बता सकूं कि हमारी संस्कृति में क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या वो चीज़ें हैं जो जैसे हमारे जो ट्राइबल, ये में ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। रिटन में हमारा कोई उनकी जो रिलीजियस बुक्स होते हैं वो हमारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो संस्कृति है, यानी हमारा जो समाज है, वो इतने युगों युगों से इतने डिसिप्लिन में कैसे रहा, कोई तो वजह रही होगी। तो वो वजह जो है वो हमारा फिलॉसफी है, हमारा दर्शन है, हमारा एंसेस्ट्रल विजडम है, नेचर है, उसको किस तरह से हम लोग लेते हैं और उसने किस तरह से हमारे लोगों को, हम लोगों को डिसिप्लिन किया, बिना आज्ञा दिए, बिना कि पाप ही ये है, पुण्य ये है, बिना बताए। लेकिन मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आपको डिसिप्लिन किया जा रहा है, लेकिन वो एक एक नेचुरल तरीके से, एक बहुत सहज ढंग से हमको हमेशा जो है डिसिप्लिन किया। उन सब चीज़ों को मुझे बताना था, तो इसीलिए मैंने मेमोयर्स का सहारा लिया। और अभी तक बहुत से लोग अपना दे रहे हैं कि उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि ये यूनिवर्सिटी लेवल में बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी मुझे ईमेल किया, कहा कि जो ट्राइबल राइटिंग्स है, जो ट्राइबल जो चीज़ें हैं उसमें जो बातें हैं ना, ये राइटिंग जो है उसकी दिशा में बदलने में या उस दिशा में काम करने में लोगों को ये बहुत ज़्यादा ये करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। मैम, आपका ये जो बुक में जो पढ़ने की दिलचस्पी रखते हैं, वो ये बुक कहाँ से खरीद सकते हैं? अमेजोन में है अभी। अमेजोन में जी मैम। ऑफलाइन अगर लेना चाहें तो? ऑफलाइन तो अभी मेरे पास जितने थे ना, अभी एक मिनट भी नहीं लिया, 5 मिनट में सब खत्म हो गया है, तो अमेजोन में ही से ही मंगवाना पड़ेगा, अभी जितने थे ना सब ले लिए। हमारे अरुणाचल प्रदेश में जहाँ तक हिंदी में लिटरेचर की जो बात आती है, तो उनमें एक लेखिका डॉक्टर जोरम यालम नाबम, ये मेरे बहुत ही पसंदीदा लेखिका में से एक हैं, और इनकी सारी रचनाएँ, चाहे वो साक्षी है पीपल हो या जंगली फूल ये उपन्यास हो, मैंने उनकी सारी रचनाएं पढ़ी हैं, और उनकी जो लेखन है वो हमेशा से मुझे बहुत अपनी तरफ आकर्षित करती रही है। तो आज उनकी एक तीसरी ये किताब आई है, गाय गेका की औरतें, ये हिंदी में इसे संस्मरण विधा के अंतर्गत रखा जाता है, संस्मरण जिसको इंग्लिश में मेमोयर कहते हैं, यानी कि बीते हुए जो अतीत में जो कुछ भी हुई है उस घटना को केंद्र में रखकर उसको याद करके लिखा जाता है। तो इसमें गाय गेका की औरतें नामक इस पुस्तक में भी याला मैडम ने अपने बचपन की उन घटनाओं को याद करके उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ आज जैसे वो किताब के बारे में बात हो रही थी उसके अनुसार सिर्फ बचपन की यादों को लिखना मात्र नहीं है, उसमें हमारे जो तानी समुदाय की जो दर्शन है, जो फिलोसोफी है, तो उसको भी लोगों के समक्ष लाने का ये एक प्रयत्न है इस बुक के माध्यम से। हालांकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है इस बुक को,
तो इसलिए मैं बुक के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज बहुत ही कम कॉपीज होने के बावजूद यालम मैम ने मुझे साइन किए हुए एक बुक मुझे उन्होंने तोहफे में दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।